पतलू, ये पढ़ा तुमने? कितने पते की बात लिखी है यहाँ कि अगर पावर नैप ले लिया जाए तो उससे काम करने की एनर्जी बढ़ जाती है। हाँ मोटू, अपने बिजी शेड्यूल में किसी को भी अगर 10-20 मिनट का पावर नैप मिल जाए तो वो फ्रेश हो जाता है और बाकी काम फुर्ती और चुस्ती के साथ कर सकता है। लेकिन अब मैगजीन रखो और भूल गए कि हमें चिंगम सर के पास कमलपुर डायमंड एग्जीबिशन के सिक्योरिटी के लिए जाना है। अरे नहीं नहीं, भूला नहीं हो। चलो पहले समोसे खाते हैं, फिर वहीं से निकल जाएंगे। समोसे खा लेते हैं क्योंकि रात भर कमलपुर में सिक्योरिटी जो करनी है। पेट भरने के बाद थोड़ा सा पावर नैप हो जाए तो बाद में फ्रेश फील करूंगा। अरे ये मोटू कहाँ गायब हो गया? समोसे तो खूब चटकारे लेकर खा रहा था और पैसे देने का टाइम आया तो गायब। मोटू, अरे मोटू कहाँ गए? चाय वाले, मैं मोटू को देख कर आता हूँ। अरे मुझे उल्लू समझा है क्या? बोनी का टाइम है, पैसे दिए बिना तुम नहीं जा सकते। अरे मोटू नहीं है तो क्या हुआ, तुम पैसे दे दो। अरे चाय वाले भैया, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मोटू मिलेगा तभी तुम्हारे पैसे मिलेंगे, पहले मोटू को ढूंढने तो दो। रुको रुको, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे मोटू उठो, उठो मोटू, ये चाय वाला मुझे तेल में फ्राई करने पर तुला है और तुम हो क्या आराम से सो रहे हो? अरे क्या हुआ पतलू, इतना हड़बड़ाए हुए क्यों हो? मैं तो पावर नैप ले रहा था, अब देखो मैं कितना फ्रेश फील कर रहा हूँ। अरे तुम्हारी पावर नैप के चक्कर में मैं फ्राई हो जाता तो? चाय वाले को पैसे दो, जल्दी दो। जाओ मोटू जाओ, अब तुम्हारे पावर नैप में तुमको ही कर दूंगा ट्रैप। पतलू, मेरा तो छोटा सा पावर नैप हो गया है, अब तुम भी थोड़ी देर पावर नैप ले लो तो सिक्योरिटी के टाइम पे बिल्कुल फ्रेश एंड फिट फील करोगे। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है मोटू, मैं भी थोड़ी देर सो लेता हूँ, लेकिन तुम कुछ गड़बड़ मत कर देना। सुनो, दो हॉल में एग्जीबिशन चल रही है, एक हॉल आगे है दूसरा पीछे है। मोटू तुम आगे के हॉल में रहो और पतलो तुम पीछे के हॉल पर पहरा दो। याद रखो कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, एकदम अलर्ट रहना है। डोंट वरी चिंगम सर, भरोसा रखिए। मोटू को पावर नैप का नया नया बुखार चढ़ा है, अभी उसको मस्त पावर नैप दिलवाता हूँ। मोटू अभी रात होने में बहुत टाइम है, चोर तो वैसे भी अंधेरी रात में ही बाहर आते हैं, तब तक तुम एक पावर नैप ले लो, रात में फ्रेश एंड अलर्ट फील करोगे। सही कह रहे हो पतलू। यही रहूंगा मेरा। लला लोरी, दूध की कटोरी, सो जा सो जा। गार्ड्स हो तुम लोग? कैसे गार्ड्स हो? दूसरे हॉल पर गार्ड मजे से सो रहा है, जल्दी वहाँ जाओ वरना चोरी हो सकती है। क्या मोटू सो गया? मोटू उठो उठो। हाँ हाँ उठता हूँ, क्या हुआ क्या हुआ? मोटू तुम यहाँ घोड़े बेचकर सो रहे हो, अगर हॉल में डायमंड्स चोरी हो गए तो? मोटू
मोटू पतलो, तुम दोनों यहाँ कब शप में लगे हुए हो? मुझको किसी ने फोन किया कि दोनों हॉल में चोरी हो गई है। चिंगम सर, दोनों नहीं, सिर्फ इसी हॉल में चोरी हुई है। मोटू सो रहा था। पतलो, अगर तुम यहाँ हो तो उस हॉल पर कौन है? कोई नहीं है, मैं तो यहाँ मोटू को उठाने के लिए आया था। अरे माँ पतलो, तुम हॉल को खाली छोड़ा है। तुम दोनों को मैंने सिक्योरिटी के लिए रखा ही क्यों था? क्यों 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 क्यों? मोटू पतलो, तुम दोनों की वजह से इतनी बड़ी चोरी हो गई। सॉरी चिंगम सर, लेकिन हम चोर को पकड़ कर ही रहेंगे। ये सब कुछ मोटू के पावर नैप की वजह से हुआ है। पर पतलू, तुमने ही तो मुझे फोन करके कहा था कि थोड़ी देर सो जाओ। मैंने कब कहा? उल्टा मुझे किसी भले इंसान का फोन आया कि तुम सो रहे हो, इसीलिए तुम्हें जगाने के लिए मैं उस हॉल से पहरा छोड़कर इस हॉल में आ गया। एक मिनट, अब मुझे ये सारा मामला कुछ कुछ समझ में आ रहा है। कोई तो है जिसने हम दोनों को गुमराह किया है। उसने पहले तुम्हें फोन किया, फिर मुझे। ये चोर जॉन के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता, वही हम दोनों को इतने अच्छे से जानता है। चिंगम सर, सॉरी, वेरी सॉरी, पर हम दोनों चोर को पकड़कर आपके पास लेकर ही आएंगे। पतलू, कुछ आइडिया निकालो। आइडिया? अभी सब लोग फुरफुरी नगर चलो, वही चल के चोर को पकड़ेंगे। अब फुरफुरी नगर के वासियों, हमारे शहर में पहली बार देश के बड़े बड़े ज्वेलर्स की तरफ से एक डायमंड एग्जीबिशन कम सेल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। खबरदार मोटू पतलो, अब की बार तुम दोनों में से कोई भी सोया तो। चिंगम सर, मुझे अपने आप पर तो पूरा भरोसा है, पर मोटू पर बिल्कुल नहीं। ओके पतलो, तुम रोड पर जाकर पेट्रोलिंग करो, गेट पर मोटू खड़ा होगा। तुम दोनों अच्छे से याद रखना, कोई भी गड़बड़ हुई तो चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। बोले तो ये इम्पॉसिबल। मोटू, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल भी सोना मत, क्योंकि तुम्हें नींद में चलने की बीमारी भी है। अरे पतलू, तुम बेफिक्र रहो, जब मैं सोऊंगा ही नहीं तो नींद में चलूंगा कैसे? दूध की कटोरी, सो जा सो जा। जल्दी लूटो, फिर कूटो। ये मोटू अंदर कैसे आ गया? क्यों आ गया? बॉस बॉस, याद है पतलू कह रहा था मोटू को नींद में चलने की बीमारी है। पतलू, तुम मानो या ना मानो, लेकिन पिछली बार चोरी तुम्हारी ही वजह से हुई थी। बॉस बॉस, कुछ मत बोलो, मोटू आपको पतलू समझकर मार रहा है। पतलू, तुम इस तरह नहीं जा सकते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वजह से मेरी हर जगह बदनामी होती है। करो तुम भरो। अरे मैं पतलू नहीं हूँ। बस चुप रहो, उसको आप नहीं पतलू लग रहे हो। मोटू को पता चला कि आप जॉन हो तो और ज्यादा सुताई करेगा। ठीक है, माल बटोर लिए तो अब निकलो यहाँ से। ये मोटू फिर गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या मुसीबत है, ये तो आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो गई। बाहर जाऊंगा तो चिंगम सर, अंदर रहता हूँ तो मोटू। पतलू, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? मुझे हमेशा बदनाम क्यों कर रहे हो? बस करो, नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। मैं पतलू नहीं हूँ, जॉन हूँ, जॉन द डॉन। मोटू, एक्टिंग बंद करो, मुझे पता है तुम सोने की एक्टिंग कर रहे हो। पतलू, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें तो पता है कि मुझे नींद में चलने की बीमारी है। छोड़ो, मुझे पता चल गया है कि तुम सो नहीं रहे हो। मैं पकड़ा गया हूँ, प्लीज हेल्प।
अरेस्ट में, अरेस्ट में, प्लीज मुझे गिरफ्तार करो ना। Thank you.